वाटर मैनिफेस्टेशन का वीडियो कई दिनों से मुझे लग रहा था बनाने को, बट आई जस्ट डिडंट मेड इट, मैंने नहीं बनाया बिकॉज देन मैंने कई ऐसी वीडियो देखी, आई वॉज गुड हाँ कि चलो बना दिया है, बट देर वॉज नॉट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन दैट. सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एक डिटेल्ड उसमें ऐड कर दूँ. देखो, आप वाटर मैनिफेस्टेशन जब आप करते हो, वाटर एक एनर्जी होल्ड करता है. जब आप कोई भी हम फूड इंटेक करते हैं या फिर वाटर इंटेक करते हैं तो उसमें एक एनर्जी रहता है. तो आप जिस वे से, जिस एनर्जी में उसको कंज्यूम करोगे, वैसे वो आपके अंदर एक फीलिंग, इमोशनल एनर्जी बिल्डअप करेगी. अगर आप जैसे कि कहते हैं कि गुस्से से खाना बनाया तो उसमें उसका गुण आ जाता है, वैसे अगर आप गुस्से से खाओगे, गुस्से से कुछ पियोगे तो उसका उसमें इमोशन वैसा आ जाता है. बिकॉज वाटर एक बहुत, हमारे बॉडी के अंदर 72% वाटर रहता है. सो जिस वे से आप वाटर कंज्यूम करते हो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. इसके लिए कहा जाता है कि आप ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड स्टेट में आके आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ पी रहे हो, तो उस हिसाब से कीजिएगा. सेकेंडली, हमें पता नहीं रहता कि हमारे थॉट्स कितने प्योर है, कितना नहीं, इट डिपेंड्स यूजुअली. तो अगर आप वाटर इंटेक करते हो तो आप जिस आराध्य को मानते हो आप उनका नाम लेके आप पी सकते हो. बिकॉज हमें कभी कभार हमारी एनर्जी पता नहीं रहती कि कहाँ पे है, फोकस्ड कॉन्शियसली हम हो सकते हो, बस सबकॉन्शियसली हमें पता नहीं रहता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या ज़्यादा रोल प्ले हो रहा है. तो आप आपके आराध्य का नाम लेके पानी पी सकते हो इन दैट केस. और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए वाटर टेक्निक यूज़ कर रहे हो, देन आप एक प्रॉपर स्पेसिफिक वर्ड उसमें लिखना, आप क्या मांग रहे हो उसका आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या मांग रहे हो. बिकॉज अगर आप जो मांग रहे हो, अगर आपका वेसल उतना कैपेबल इनफ नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा. यूनिवर्स का रूल है, आप जितना संभाल सकते हो आपको उतना ही मिलेगा. सो अगर आप 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम का मांग रहे हो और अगर आपने एक ही स्कूप ऑफ आइसक्रीम आप संभाल नहीं पा रहे हो ठीक से, तो 3 स्कूप कहाँ से मिलेगा आपको, करेक्ट? तो ज़रा सा लॉजिकल होइएगा. और आप जो विश लिखते हो पीते वक्त या फिर ग्लास होल्ड करके आप जो एनर्जी देते हो उसे, वो प्रॉपर सोच समझ के वर्ड्स लिखना. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने के जगह उस वाटर टेक्निक को आपके हीलिंग, आपके ग्रोथ के लिए आप वैसे अफर्मेशंस फ्रेम करके लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपका एक सेल्फ नर्चरिंग टाइप होगा. और अगर आप नर्चर अच्छे से हो जाओगे तो आपको ऑब्वियस है आपके सामने अच्छी चीज़ें आएंगी जो आप के लिए कनेक्टेड होंगी. तो आपको कंफ्यूज या फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा दिस और दैट वे से. सो यूज़ कीजिएगा वाटर टेक्निक, बट अच्छे से, सही से इस्तेमाल कीजिएगा. थैंक यू.